नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, चीन को सबक सिखाने के लिए म्यांमार से लगी सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत करेगा भारत। पंजाब में आज राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली। देश में तेजी से ठीक हो रहे कोरोना के मरीज। ममता बनर्जी ने माना बंगाल में हुआ कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरजेडी आज कर सकती है उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के सभी फायदेमंद खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच भारत म्यांमार से सटी सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत करेगा। सूत्रों के अनुसार भारत म्यांमार के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के अलावा तटीय जहाज रानी पर भी समझौते कर सकता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गोवा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास देश के लिए बड़ा विचार है। साथ ही उन्होंने कृषि कानून का विरोध कर रहे पंजाब सरकार को घेरते हुए कहा है कि पंजाब में हो रहे प्रदर्शन के पीछे की वजह वहाँ की सरकार है। बिहार विधानसभा चुनाव में शिवसेना भी ताल ठोकेगी। जहां महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बिहार चुनाव में उम्मीदवार उतारने की हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि शिवसेना की बिहार इकाई ने राज्य की चुनिंदा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का प्रस्ताव दिया है। भारत में कोरोना के मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। जहां भारत में अब तक कोरोना के 55 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 75,829 नए मामले सामने आने के साथ अब देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 65 लाख से अधिक हो गई है। एनसीबी के उप निदेशक केपीएस मल्होत्रा को भी कोरोना हो गया है। आपको बता दें कि वे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले से संबंधित मादक पदार्थ एंगल की जांच कर रहे थे और अब कोरोना होने के बाद केपीएस मल्होत्रा मुंबई से दिल्ली लौट आए हैं। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि कृषि मंत्रालय का बजट वर्ष 2009-10 के दौरान 12,000 करोड़ रुपए था, जो अब 1.34 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आगे उन्होंने कहा कि ये किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूपीएससी आज देश भर में सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कर रहा है। जहां इस साल सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री सीटी रवि ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। आपको बता दें कि सीटी रवि कल दिल्ली का दौरा करेंगे और संगठन के कामकाज की जिम्मेदारी संभालेंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने स्वीकार किया कि बंगाल में कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्तर पर पहुंच गया है। ममता बनर्जी इस बात को माना जाना इसीलिए भी अहम मान रही हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले कुछ दिनों में दुर्गा पूजा का त्यौहार शुरू होने वाला है, जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के दिल का ऑपरेशन हुआ है, जहां उनके बेटे चिराग पासवान ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान पिछले 5 दशक से भी अधिक समय से राजनीति में सक्रिय हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश रची। सावंत ने कहा कि एम्स की रिपोर्ट से साबित हो गया है कि मुंबई पुलिस की जांच सही थी। साथ ही उन्होंने साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश करने के लिए एसआईटी का गठन करने की मांग की है। कोरोना को मात देने वाले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्लाज्मा दान किया है और इसके साथ ही वे पहले ऐसे केंद्रीय मंत्री बन गए हैं जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा दान किया ताकि कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सके। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हाल ही में पारित 3 कृषि कानून गेम चेंजर फैसले हैं, जो किसानों के जीवन में सुधार लाएंगे और उनकी आय को बढ़ाकर दोगुना करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को सशक्त बनाना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया है। जहां आरजेडी 144 सीट पर, कांग्रेस 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, वहीं महागठबंधन में वाम दलों को 30 सीटें मिली हैं। लॉकडाउन के कारण बंद होने के लगभग 6 महीने बाद बेंगलुरु का इस्कॉन मंदिर को 5 अक्टूबर से आगंतुकों के लिए फिर से खुलने जा रहा है। जहां मंदिर में प्रवेश के दौरान प्रोटोकॉल का पालन लोगों को करना होगा। आपको बता दें कि मंदिर की ओर से ये जानकारी दी गई है।
बदलते मौसम के साथ 5 राज्यों की बैठक के बाद वायु प्रदूषण की स्थितियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों ने प्रयास तेज कर दिए हैं। केंद्र का कहना है कि इस मौसम में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण की वजह केवल पराली नहीं है, बल्कि वहाँ के उद्योगों में प्रदूषण मानकों की अनदेखी और अन्य कारणों से होता है। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि पुरानी कक्षा के 50% अंकों, वर्तमान कक्षा की इंटरनल असेसमेंट के 30% और शिक्षक असेसमेंट के 20% अंकों के आधार पर परिणाम तैयार करने की योजना बनाई गई है। कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में पंजाब के मोगा से आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की विशाल ट्रैक्टर रैली की शुरुआत होने जा रही है, जहां इस ट्रैक्टर रैली में हजारों की संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भले ही पंजाब जाएं, मगर हरियाणा में माहौल खराब करने के लिए उन्हें आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर रैली करने का ऐलान किया है, जिसमें राहुल गांधी भी हिस्सा लेंगे। ऐसी खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरजेडी आज पहले चरण के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा किसी भी वक्त कर सकती है। दरअसल बिहार में पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होना है, जिसमें काफी कम वक्त रह गया है। ऐसे में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर स्थिति साफ होने के बाद आरजेडी द्वारा आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी किए जाने की खबर सामने आ रही है। तो ये थी अब तक की फटाफट खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के सभी तमाम फायदेमंद खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।